बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेलिंग्स के बारे में। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि मेलिंग जो है वो हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने का हमें फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेलिंग्स पे क्लिक कर देना है। मेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, स्टार्ट मेल मर्ज। आपने स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ से जो है मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगी कि आप मेल मर्ज के थ्रू जो है क्या टाइप करना चाहते हैं। लेटर्स टाइप करना चाहते हैं, ई मेल, इनवेलप, लेबल्स या डायरेक्ट्री। तो स्टूडेंट, हम लोग जो अभी फिलहाल यहाँ पे काम करेंगे वो लेटर्स के बारे में करेंगे। तो आप एक लेटर टाइप करना चाहते हैं, ये लेटर के आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप ये देखिए, नीचे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। आपने जो डॉक्यूमेंट अपना टाइप करना है वो ऑलरेडी क्या आपके पास बना हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन है आपके पास। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं और इसी के ऊपर टाइप करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, आपने ऑलरेडी कोई ना कोई टेम्पलेट बना के रखा हुआ है या चूज किया हुआ है, जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं आप उनको यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, आपने ऑलरेडी अपना कोई डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना के रखा हुआ है और आपको उसको यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने ना तो टेम्पलेट बनाया है और ना ही पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो हम यहाँ पे ये जो करंट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है इसी को यूज करते हुए इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे। अगर आप लोगों को तरीका समझ में आ जाए तो आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। यूज द करंट डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट रेसिपिएंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे आपके रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लेटर आप लिखना चाह रहे हैं ये किनको वसूल हो, ये कौन रिसीव करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंफॉर्मेशन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि आपने अपने रेसिपिएंट्स की कोई पहले से लिस्ट बना के सेव की हुई है। तो हम लोगों ने कोई भी लिस्ट बना के सेव नहीं की हुई, नहीं की हुई। अगर आप अपने आउटलुक में से कोई कंटेंट में से डाटा उठाना चाहते हैं तो स्टूडेंट, हमारा कोई आउटलुक कंटेंट भी नहीं है। टाइप आ न्यू लिस्ट, तो हमारे पास एक थर्ड वन ऑप्शन यही है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, टाइप आ न्यू लिस्ट। आप यहाँ पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टाइटल, यानी कि जो रेसिपिएंट है आपका, आपने उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि उसका टाइटल क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कुछ टाइटल्स लिख लेते हैं। प्रिंसिपल्स अगर आपने करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फर्स्ट नेम, आपके पास प्रिंसिपल का फर्स्ट नेम जो है वो क्या है। तो सपोज करें कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ इमरान, और नेक्स्ट नेम मैं उसका लास्ट नेम कर देती हूँ इमरान खान। ठीक है, आप नेक्स्ट में चले जाएं, यहाँ पे आपके पास कंपनी आ रही है, कंपनी का कोई भी आप नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं कर देती हूँ इमरान एंड को। तो आप यहाँ से इमरान एंड को, यानी कि ये कंपनी का मेरी नाम है। इसके अलावा टैब है आपके पास, यहाँ पे एड्रेस लाइन वन आ रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, जो भी आपका एड्रेस है आप वो भी एड्रेस मेंशन करें। यहाँ पे एड्रेस लाइन टू आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई आरजी पता है या मुस्तकिल पता है या कोई भी कंपनी आपकी टेम्परेरी तौर पे कहीं और शिफ्ट हो गई है या किसी और के साथ मर्ज हो चुकी है, तो आप लोग जिस तरह कोई स्टूडेंट जो है उसका मुस्तकिल पता किसी गाँव में या किसी दूसरे शहर में होता है, लेकिन वो स्टडी बेस के लिए या जॉब बेस के लिए जो है वो किसी और जगह पे मुंतकिल होता है, यानी कि अपने किसी रिलेटिव के घर या किसी हॉस्टल वगैरह में, तो यहाँ पे इस टाइम उसके दो एड्रेसेस आ जाएंगे। तो एड्रेस टू में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सिटी, तो सिटी के अंदर जो भी है आप नेम मेंशन करना चाहते हैं वो आप नेम मेंशन करें। सिटी के अंदर आपने अपने सिटी का नेम मेंशन कर देना है। सपोज करें कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ इस्लामाबाद। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद मेंशन किया, यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो स्टेट स्टूडेंट हमारे पास है पंजाब। आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है और जिप कोड पे चले जाना है। जो भी आपके सिटी का जिप कोड होगा वही आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना है। सपोज करें कि यहाँ पे मैं जिप कोड मेंशन कर देती हूँ ये वाला। इसके अलावा यहाँ पे आपने कंट्री में चले जाना है और कंट्री में हम लोग लिख देंगे आपके जो भी कंट्री का नेम है, जो भी आपका रेसिपेंट है उसकी कंट्री का नेम वो आपने यहाँ मेंशन करना है। होम फोन नंबर के अंदर स्टूडेंट आप यहाँ पे कोई भी फोन नंबर लिख सकते हैं। आप अपने वर्क फोन नंबर के अंदर जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे अपना फोन नंबर। इसके अलावा आपका जो भी ईमेल है आपने वो मेंशन करना है। सपोज करें मैं करती हूँ इमरान एट द रेट याहू डॉट
com, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है। इसी तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देनी है। सपोज करें कि नेक्स्ट भी मेरे पास कोई प्रिंसिपल ही है, और इसी तरह से आपने उनका नेम जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। लाइक मैं कहती हूँ कि ये सना है, और सना का नेक्स्ट नेम जो है सना इमरान है या सना खान है, कोई भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज ही करना है यहाँ पे सना एंड सन्स भी कर सकते हैं। सना कोई कॉलेज का नाम है, सना प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी है, तो कंपनी के अंदर जो है वो हम लोग किसी भी कॉलेज का नाम लिखेंगे। सनास कॉलेज कर लेती हूँ मैं मिसाल के तौर पे, यहाँ पे सना कॉलेज। इसी तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पे मैंशन करते जाना है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसी एज्यूम इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर डाटा भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई डाटा फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट नेम मेंशन कर देने हैं, जिनका जो भी डेजिग्नेशन होगा टाइटल में वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेजिग्नेशन मेंशन किए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर डिफरेंट डेजिग्नेशन है तो हम वही मेंशन करेंगे, कोई एक नहीं मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे ओके का बटन दबाना है। ओके का बटन दबाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने जो भी डाटा अपना टेबल बनाया है उस टेबल को आप सेव कर लें। तो आप स्टूडेंट अपने टेबल को किसी भी ऐसे नाम से सेव करें कि नेक्स्ट टाइम पे जब आप लोगों को यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करना पड़े, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज करना पड़े, तो ये लिस्ट अब आपके पास सेव हो जाएगी और उसको सर्च करना और उसको एक्सेस करना हमारे पास आसान हो जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं कर देती हूँ रेसिपेंट। यहाँ पे मैं रेसिपेंट के नाम से जो है वो एक लिस्ट बना लेती हूँ या डाटा बना लेती हूँ, जो मैंने भी बनाया है उसको मैं सेव कर लेती हूँ। और यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, आप इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद नेक्स्ट में अब आपके पास वो पूछता है कि आपने इसमें कोई चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन अगर आपको करना है तो आप इसको यूज करें, अदरवाइज यहाँ पे इसको ओके करना है। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको ओके करेंगे तो नेक्स्ट में वो आपसे पूछते हैं कि राइट योर लेटर। तो राइट योर लेटर के अंदर स्टूडेंट आपने अब अपना लेटर लिखना है, ये नेक्स्ट में ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ प्रीवियस पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं प्रीवियस पे क्लिक करती हूँ, मैं पहले वाली ऑप्शन पे आ गई हूँ, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑप्शन कोई भी गलत नहीं हुई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा था। तो राइट योर लेटर के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है मोर आइटम्स की, तो इसमें से जो आप लेना चाहें ले। हम यहाँ मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर कहाँ पे मूव कर रहा है। मोर आइटम्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो स्टूडेंट ये सारी वही ऑप्शन है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, हमने डाटा पुट किया है। तो आपको इसमें से जो ऑप्शन चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं टाइटल पे क्लिक करती हूँ, टाइटल पे क्लिक करके मैं क्लोज करती हूँ और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। और इसी तरह से मैं दोबारा मोर आइटम्स पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लेती हूँ, इंसर्ट करती हूँ और क्लोज कर देती हूँ। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे मोर आइटम्स पे अगेन जाऊंगी। यहाँ से आप अपनी कंपनी का नेम या कोई भी और नेम जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ मैं कंपनी का नेम लेके इंसर्ट करती हूँ और क्लोज करती हूँ। अगर आपको यहाँ पे और डाटा चाहिए तो स्टूडेंट आप यहाँ पे और डाटा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इतने ही डाटा की जरूरत है। आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहें आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे अपना कोई लेटर लिखते हैं, तो ये लेटर हम लोग लिख लेते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों ने जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक इस तरह से लेटर टाइप कर लिया है, ठीक है। आप किसी जिन जो भी आपके रेसिपेंट्स हैं आप उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने इसको बोल्ड कर लिया है, यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिया है। जो भी आप अपनी कंपनी के आप मैनेजर हैं, आप अपनी कंपनी के जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आप मेंशन करें, यहाँ पे अपना नेम मेंशन करें, आप डेट यहाँ पे मेंशन करें। और मेंशन करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रीव्यू योर लेटर। आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो मैं प्रीव्यू योर लेटर के ऊपर क्लिक करूंगी, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आपके जितने रेसिपेंट्स हैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करना है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। आपने जितने भी रेसिपेंट्स के नेम टेबल के अंदर मेंशन किए थे वो यहाँ सारे आ जाएंगे। उसके अलावा आपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कंप्लीट द मर्ज। आप जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट इंडिविजुअल के लेटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑल की ऑप्शन आ रही है। अगर तो आपको अपने करंट रिकॉर्ड जस्ट लेना है या आपके पास ढेर सारे रिकॉर्ड है उसमें से आपको कोई स्पेसिफिक लेने हैं तो यहाँ मेंशन कर दें। अभी हम ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे आप यहाँ से ये देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कलर मेंशन किया था, जो डेजिग्नेशन दिया था, मैंने नेम दिया था और कंपनी नेम दिया था, यहाँ पे मेरा लेटर ये आ चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट मेरे पास दूसरा रेसिपेंट है, उनका भी प्रिंसिपल टाइटल था और सना उनका नाम था और सना की कॉलेज का ये नेम था, ये सेम लेटर जो है इनके पास भी लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड मेरे पास डायरेक्टर है, उनका नेम जो भी है और उनकी कंपनी नेम है। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने कोई भी एक ऐसा जो है रफली सा एक डाटा जो है
ये 543 इस तरह से रफली सा कोई डाटा हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे स्टूडेंट इसी तरह से देखें, लेटर जो है वो सबके साथ जो है वो सेम लेटर टाइप हुआ है, लेकिन ऊपर जो नेम वगैरह चेंज हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं, उनका डेजिग्नेशन अपना है, उनकी अपनी कंपनी नेम है। और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो यहाँ आप दे सकते हैं। आप किसी को अंडरलाइन करना चाहते थे तो आपने उसी टाइम पे इस चीज को अंडरलाइन करना है, जैसे हमने कलर चेंज किया है। तो स्टूडेंट इसका फायदा ये होता है कि एक ही ऐसा लेटर है जो आप लोगों ने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है, लेकिन लेटर बिल्कुल सेम है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को उनके नेम और एड्रेस, उनकी जो भी डाटा है उसके साथ आपने उनको सेंड करना है। तो बहुत ही इजीली आप मेल मर्ज में जाके इस तरह से कोई भी लेटर जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही आप ईमेल वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और हमें एक ही लेटर को बार बार जो है वो टाइप नहीं करना पड़ता। अब आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कंट्रोल भी करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल भी करना है, प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे इसके जितनी भी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये कॉपीज आपने यहाँ से ले लेनी है। आपको प्रिंट का पेजेस चाहिए, आप यहाँ पे इनको बता सकते हैं कि आपको जो है प्रिंट सारे पेजेस चाहिए, ठीक है, करंट पेज चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा एक सिंगल पेज ही था जिसको हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करंट पेज की ऑप्शन कर ले, प्रिंट ऑल पेजेस कर ले, तो ये एक ही बात है। और यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के और ऑप्शन हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक नई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो जितनी कॉपीज लेनी है, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जितने लेटर आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे टाइप किए हुए हैं वो लेटर आपके पास प्रिंट निकल आएगा, और आप उसको एनवेलप में डालें, ऊपर उसका एड्रेस लिखें और पोस्ट कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो लेटर है वो किस तरह से शो होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी अगर आप मेल मर्ज के साथ ही अगर ये काम करना चाहते थे तो आप बहुत इजीली कर सकते थे। आप पेज बॉर्डर पे जाके अगर आपको एक डिसेंट सा अच्छा सा पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास पेज बॉर्डर भी आ चुका है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल शेयर कर देती हूँ। सपोज करें कि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और यूनिवर्सिटी के साथ आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के कॉलेजेस जो होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं। तो आपने उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम कॉलेजेस को एक ही मैसेज कन्वे करना है कि आपकी फलां डेट से जो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेजते हैं। ये एफिलिएटेड अदारों के लिए मैं बात कर रही हूँ, या आपने कोई और गवर्नमेंट का आपका अदारा है, आपने तमाम अदारों को जो उनसे साथ एफिलिएटेड है, जो उनके डायरेक्ट डीलिंग है उनके साथ, आपने उनको कोई एक लेटर इशू करना है। सपोज करें कि आपने उनको ईद हॉलीडेज के लिए जो लेटर इशू करना है, आपने उनको जो है वो बकरीद के लिए करना है, या किसी और पर्पज के लिए आपने कोई लेटर इशू करना है जो कि सबके लिए सेम है लेकिन नेम उनका चेंज होना चाहिए एज लाइक दिस। तो स्टूडेंट आप लोग मेल मर्ज के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं। आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, आप अपने काम को बहुत ईजी टू एक्सेस भी बना सकते हैं, अगर आपको इन तमाम चीजों के ऊपर काम करना और इनको डील करना आ जाए। अगर आपको ये पसंद आता है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।